Hello, I'm Simran Valetra and I'm a health and wellness entrepreneur. So I have lost over 10 kilos in the past 5 years. So मेरी journey शुरू हुई about 5 years ago और मैं कभी नहीं बोलती हूँ कि मेरी journey ख़त्म हो गई है because अभी तक जो मैंने practices तभी चालू किए वो मैं अभी तक follow करती हूँ. तो initially तो जब मेरी weight loss journey शुरू हुई थी वो weight loss के mindset से नहीं शुरू हुई थी. बट जैसे मैं बड़ी होती गई मैंने देखा कि माई मॉम एंड माई डैड यूज टू वर्कआउट टुगेदर इन द जिम. आफ्टर द एज ऑफ 18 इट वॉज जस्ट वेरी नेचुरल फॉर मी टू से ओके नाउ आई एम गोइंग टू गो टू द जिम विद देम. सो ओवरऑल इवन बिफोर दैट आई वॉज अ हैवी किड. आई वॉज बॉर्न अ हैवी किड. तो स्कूल में बहुत लोग बोलते थे कि हाँ ये मोटी है, हाँ ये भाग नहीं सकती है, ये तो कुछ स्पोर्ट्स नहीं खेल सकती है. लेकिन फिर भी आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई बास्केटबॉल टीम. आई प्लेड ऑल द स्पोर्ट्स. मेरे पेरेंट्स ने मुझे सब स्पोर्ट्स सीखने के लिए भेजे और उनका भी कोई गोल नहीं था कि हाँ कि सिमरन सब स्पोर्ट्स खेल देगी बिकॉज उसका वेट लॉस होना है. कुछ ऐसा था नहीं. जिस दिन मुझे 2 आइसक्रीम खाने थे तो वो भी दे दिया था. ऑफ कोर्स वो हेल्दी नहीं है बट वंस इन अ वाइल जब अगर कोई किड आपसे भी पूछ ले तो आप भी हाँ ही बोल दोगे. तो कभी कभी ऐसे भी दिन थे, कभी कभी बहुत एक्टिविटी, बहुत स्पोर्ट्स खेलकर मैं एकदम थक भी जाती थी. लेकिन कभी वो इंटेंशन नहीं था कि उनका कि ये स्पोर्ट्स के लिए जा रही है तो उसका वेट लॉस होना ही चाहिए और क्यों नहीं हो रहा है तो उसको डाइट पे डालो या कुछ. सो व्हेन आई टर्न 18 आई इमीडिएटली स्टार्टेड गोइंग टू द जिम विद देम बिकॉज इट वॉज एन एक्टिविटी दे डिड टुगेदर एंड देन इट बिकेम एन एक्टिविटी दैट वी एज अ फैमिली डिड टुगेदर. So then, honestly, it was a celebration of what my body could do when I started working out. I started feeling so good seeing, oh my God, like my body can actually do something like this. उसके बाद मेरी graduation trip थी तो मैंने सोचा हाँ ठीक है क्यों नहीं थोड़ा weight loss कर दो. तो मैंने कोई fat diets कर दिए, मैंने dessert give up कर दिया, मैंने carbs give up कर दिया. रात को सिर्फ soup and salad खाती थी और उससे मेरे 5 to 6 kilos वेट लॉस हो गए इन 1 month. फिर ऑब्वियसली ट्रिप से वापस आ गई, सब वेट गेन हो गया. कार्ब्स तो ऑब्वियसली लॉन्ग टर्म गिव अप नहीं कर सकते हैं, डिजर्ट तो मैं डेफिनेटली गिव अप नहीं कर सकती हूँ. तो बैक टू नॉर्मल और इनफैक्ट ज़्यादा हो गया बिकॉज जो रिस्ट्रिक्शन मैंने रख दिए थे अपने आप के लिए वेट लॉस के लिए तो क्रेविंग्स और ज़्यादा बढ़ गई कि ओ मैंने 1 महीना डिजर्ट नहीं खाया, अभी तो ये हफ्ता मुझे 3 से 4 बार डिजर्ट खाना ही है. तो उसके लिए वेट गेन बहुत ज़्यादा हो गया. उसके बाद फिर वर्कआउट तो चलते रहा और मैंने सिंपल लाइफस्टाइल कर दी कि मैं जो भी घर पे बनाए वो खाऊंगी. फिर मैं कॉलेज गई अमेरिका पढ़ने को. वहाँ पे तो कुकिंग एबिलिटी थी नहीं, मुझे कुकिंग आता ही नहीं था और डॉर्म में रह रहे थे तो जो खाना मिलता था वही खाना था. और वहाँ पे पिज्ज़ा, पास्ता, इवन सैलड में इतने ड्रेसिंग डालते थे कि वो हाई कैलोरी मील बन जाती थी. और फिर एज अ वेजिटेरियन आई हैड वेरी फ्यू ऑप्शंस. सो वो हर रोज़ पिज़्ज़ा, पास्ता या सैलड हो ही जाता था और वो डिज़र्ट बुफे से मैं कंट्रोल कर ही नहीं सकती थी. हर रोज़ एक कुकी या एक सॉफ्टी या एक स्मॉल कपकेक या मफिन तो हो ही जाता था. एंड बट कैंपस में बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी, बहुत सारे स्पोर्ट्स थे. मैं स्विमिंग करती थी, मैं जिम तो हर रोज़ जाने की कोशिश करती थी और क्लासेस भी डॉर्म से इतने दूर थे कि हर रोज 10,000 के ज़्यादा स्टेप्स हो ही जाते थे. लेकिन फिर विद इन 4 months, विद इन द फर्स्ट सेमेस्टर मैंने अप्रॉक्सीमेटली 10 kilos गेन कर दिए. तो फिर तो मैंने कहा ठीक है अभी तो कुछ करना है. तो अगेन बहुत सारे फैट डाइट्स ट्राई किए, 1200 calorie डाइट्स किए, मैंने डिनर स्किप किया और वो इतना माइंड पे खेल रहा था कि अगर मैं फ्रेंड के साथ बाहर भी जाऊँ ड्रिंक के लिए तो वो वाइन को भी मुझे वो कैलरी काउंटर ऐप में फिल करना था. तो वो हेल्दी था ही नहीं. माई रिलेशनशिप विथ माई फूड गॉट डिस्ट्रॉयड, माई रिलेशनशिप विथ माई बॉडी गॉट डिस्ट्रॉयड एंड ओवरऑल आई डिडंट इवन लूज वेट इन द लॉन्ग रन. तो लक्की फॉर मी व्हेन आई वाज स्टडिंग इन कॉलेज माई मदर ऑल्सो फिनिश्ड हर न्यूट्रिशन कोर्स एंड शी वॉज अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट. सो शी हेल्प्ड मी एंड गाइडेड मी इन माई वेट लॉस जर्नी, हाउ आई कैन लूज वेट इन अ सस्टेनेबल मैनर. सो शी टॉट मी दैट जो भी करंट लाइफस्टाइल है उसमें मेक स्मॉल ट्वीक्स so that you can follow these lifestyle changes forever. Like for all those who follow me on Instagram already know that I've been having oats and coffee for my breakfast
फॉर द पास्ट 10 ईयर्स. सो ये मैंने लाइफस्टाइल चेंज जब मुझे वेट लॉस करनी थी तभी शुरू की, और मैं अभी तक हर रोज़ मंडे टू फ्राइडे मैं ओट्स और कॉफ़ी खाती हूँ. तो तभी मैंने हैबिट बना दी थी कि अच्छा मैं हर 1 आवर या 1.5 आवर मूव करने वाली हूँ. तो कॉलेज में तो ठीक था बिकॉज क्लास चेंज होता था, तो यू हैव टू मूव फ्रॉम वन क्लास टू अनदर क्लास. डेस्क जॉब पे गई तो डिफिकल्ट हो गया, लेकिन फिर भी वो हैबिट मेंटेन था तो इट वॉज ईजी टू फॉलो. कि बॉडी को ही ऐसा फील हुआ कि नहीं अभी 90 मिनट्स हो गया, अभी मूव करना है, अभी पानी पीनी है, अभी नहीं खाना खाना है. वो रूटीन सेट हो गया था जब वो वेट लॉस कर रहे थे, और वो सस्टेनेबल वेट लॉस प्रैक्टिस थी. जब मैं रूममेट्स के साथ रह रही थी कॉलेज में, तो हमने बॉन्डिंग एक्टिविटी कर दी थी कि हम सब साथ, हम तीनों साथ में वर्कआउट करेंगे. तो अभी भी जब मैं वर्कआउट करती हूँ तो ऐसे हमारी व्हाट्सएप ग्रुप है मेरे इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की, तो हम एक दूसरे को मोटिवेट करते हैं और वो अकाउंटेबिलिटी बन जाती है. वो कम्युनिटी मेरे लिए आई थिंक हैज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट टू लूज़ वेट. जैसे पहले की मुझे वर्कआउट बडीज थे मेरे मॉम एंड डैड, फिर कॉलेज में गए तो मेरे रूममेट्स थे, और अभी मैंने खुद के लिए अपनी कम्युनिटी बना दी है इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप पे. तो आई थिंक दैट हैज़ ऑनेस्टली हेल्प मी अ लॉट इन माई हेल्थ एंड वेलनेस जर्नी. And in terms of my diet today, like I said, my breakfast is oats and coffee, but before that, I start my day with fat first. What that means is basically you start your day with 1 teaspoon of either virgin coconut oil or ghee or any other form of fat that you prefer. So I usually have 1 teaspoon of ghee plain, or sometimes I mix it with my coffee, but then I have my coffee before I have my oats. Then after that I have my fruits and sometimes a green juice to make it a balanced meal. Then I have my lunch. It's usually roti, sabzi, dahi and salad to ensure it's a balanced meal. And my lunch and my dinner is usually the same. In my dinner I definitely make it a point to have a bowl of dal or a bowl of moong soup or some sort of paneer or protein or whatever it is. And then in the evening also I try to have like paneer sandwich. So ensuring that I have a balanced meal at all times has honestly helped me a lot, not only in my weight loss journey, but has helped me improve my hair, skin, nails and overall energy levels. Because when you're having a nutritious and fibrous diet, you're actually feeling energetic. So that was something that really helped me in my weight loss journey. And overall, after losing 10 kilos and maintaining this lifestyle, I feel so happy and energetic on the inside. Like, I can do so many more things now than I was able to do when I was not making healthier choices, when I was going for anything and everything that was available in front of me. Now I think twice that, okay, I'm hungry. Is this packet of chips really going to give me energy and fill me up? It's not. So once you start thinking about your body and how you can help it and give it fuel and make healthier choices, it will honestly change your perception and your energy level on a day-to-day basis, and life will be a lot simpler and more fun.